प्रदेश के गृह मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा इंदौर दौरे पर आए, जहां उन्होंने एक बार फिर से 2K यानी कि कमलनाथ और कोरोना पर जमकर निशाना साधा। इंदौर दौरे पर आए गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने फिर साधा 2K पर निशाना। गृह मंत्री बोले, कमलनाथ और कोरोना में निकल गए हमारे 3 साल। इंदौर दौरे पर आए गृह मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने प्रदेश स्तरीय जिला रोजगार और स्वरोजगार मेले का शुभारंभ किया। वहीं गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने युवाओं को संबोधित करते हुए 2K यानी कमलनाथ और कोरोना पर जमकर निशाना साधा और क्या कुछ कहा, जरा आप खुद ही सुन लीजिए। 2 K ऐसे आए थे, अंग्रेजी का के, एक कमलनाथ और एक कोरोना। इसमें 3 साल हमारे चले गए। कमलनाथ जी ने, मैं ये राजनीतिक मंच नहीं है इसलिए आलोचना के लिए नहीं कह रहा, पर चूंकि रोजगार एक जरूरी विषय है मैं ध्यान आकर्षित कर रहा हूं सिर्फ। कमलनाथ जी ने अपने घोषणा पत्र में, वो कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने अपने घोषणा पत्र में ये कहा था कि नौजवान को रोजगार देंगे और नहीं दे पाए तो घर बैठे 4,000 रुपये महीना बेरोजगारी भत्ता देंगे। आपको मालूम है ऐसा कहा था क्या? ये लिखित में झूठ बोलने वाली पार्टी है, रिटर्न में झूठ बोला। 15 महीने तक इनकी सरकार रही, एक भी व्यक्ति को 4,000 रुपया नहीं मिला घर बैठे। 15 × 60 वैसे 60,000 रुपया हर नौजवान को घर बैठे आना था। आपके बच्चे होंगे, भाई होंगे, आपको ध्यान है किसी को 60,000 रुपये आए? ये नहीं देते कोई बात नहीं थी। तीसरी बात मैं बताना चाहता हूं, हिंदुस्तान की एकमात्र कमलनाथ जी की सरकार ऐसी सरकार थी जिसने 15 महीने में एक भी वैकेंसी ही नहीं निकाली। माने इंटरव्यू एक भी नहीं हुआ, नौकरी एक भी नहीं हुई, और आए थे नौजवानों को रोजगार देने के नाम से, तो 15 महीने वो खराब चले गए। तो सुना आपने कैसे गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने 2K पर निशाना साधते हुए सरकार के 3 साल निकल जाने की बात कही। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, इंदौर।